पानी की टंकी पर काम कर रहे 3 मजदूरों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। थाना इलाके के गांव हर नगर में पानी की टंकी निर्माण में काम कर रहे 3 मजदूरों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने मजदूरों के शरीर पर जगह जगह डंक मार दिए। सीढ़ियां पूरी नहीं बनने के कारण मजदूर नीचे नहीं उतर पाए। मधुमक्खियों के डर से 3 मजदूर करीब 1.5 घंटे तक पानी टंकी की पानी के ऊपर फंसे रहे। बाद में ठेकेदार ने पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से टंकी पर फंसे 3 मजदूरों को रस्सी के सहारे नीचे उतारा। इसके बाद 3 मजदूरों को बयाना CHC में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती करौली के बुकरावाली निवासी मजदूर विजय सिंह सैनी ने बताया कि हर नगर गांव में PHED की ओर से पानी की आकाश टंकी बनवाई जा रही है। टंकी निर्माण कार्य में उसके साथ बैड निवासी गंगाराम सैनी, सुरोट निवासी पप्पू सैनी, कई मजदूर काम पर लगे हुए हैं। विजय सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे वह उसके साथ ही मजदूर गंगाराम और पप्पू सैनी टंकी के सबसे ऊंचे हिस्से में काम कर रहे थे, तभी अचानक पेड़ पर लगे छत्ते से मधुमक्खियों का झुंड उड़ा और 3 पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने उनके शरीर पर जगह जगह डंक मार दिए। उनके चीख पुकार सुनकर टंकी के नीचे काम कर रहे साथी मजदूरों ने रस्सी के सहारे उन्हें रजाई चद्दर भिजवाई, जिन्हें ओढ़कर उन्होंने मधुमक्खियों से बचने का प्रयास किया। तेज धूप में करीब 1.5 घंटे तक चादर रजाई ओढ़कर टंकी के ऊपर ही फंसे रहे। घटना की सूचना ठेकेदार ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से 3 को टंकी से नीचे उतार कर लिया गया। CHC में उपचार के बाद 3 की हालात में सुधार बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम विजय सिंह माली है, सन खोजाराम माली है। मैं बुकरावली गांव का रहने वाला हूं, तहसील सूरोट है। हम टंकी पर मजदूरी कर रहे थे हरनगर में, फिर एम्बुलेंस आई और ग्रामीणों ने रस्से की मदद से हमको उतारा। क्या हुआ था? मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था ऊपर। तो तुम कितने जने थे? 3 जन थे, 3 मजदूरी कर रहे थे ऊपर। ग्रामीणों ने हमारी मदद की।